हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस। इस साल का बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैशन फाइट इवेंट जो कि कल होने वाला है, तो यार जिसको भी रजिस्टर करना है फटाफट से आ जाइए। अरे वाह, फैशन फाइट इवेंट हो रहा है। मैं मेरे भाई को उसमें कंपटीशन लेने को बोलूंगी। उसका भी बहुत शौक है, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे ना, वो भी फैशन फाइट इवेंट खेला करते थे। मैं जाकर मेरे भाई को बोलती हूँ, ठीक है ना बहन? बाय बाय। ओके जाओ, तुम बोल दो अपने भाई को। अरे महेश, महेश सुन, महेश सुन, मम्मी पापा महेश कहाँ है? ऊपर ही है क्या? उसको कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ राखी बेटा, बोलो। नहीं, मैं पहले उसे ही बोलूंगी, वो ऊपर ही है ना, उसके रूम में। मैं जाती हूँ। महेश, अरे महेश सुन, देख तेरे लिए बहुत जरूरी बात है। अरे उठ ना, उठ महेश, उठ। अरे फैशन शो होने वाला है, फैशन शो फाइट कल, तू खेलेगा उसको? दादाजी भी तो खेलते थे ना, तू खेलेगा? अरे हाँ दीदी, मेरे को भी खेलना है और जीतना है। जैसे दादाजी जीता करते थे, मैं भी जीतूंगा। चलो दीदी चलते हैं, मम्मी पापा से अच्छी ड्रेस के लिए पैसे मांगते हैं, ये दे देंगे तो हम जीत जाएंगे। हाँ महेश, मैं तेरे लिए ऐसी ड्रेस पसंद करूंगी ना, तू ही जीतेगा उस इवेंट में। मम्मी पापा सुनिए, फैशन शो फाइट इवेंट हो रहा है, उसके लिए मेरे को 2-3 हजार रुपए दो ना, मैं ड्रेस लूंगा नहीं, प्लीज दीजिए ना। रोशन बेटा, तुझे पता ही है अभी हालात कैसे हैं, अभी पैसा नहीं है बेटा। क्या यार पापा, जब देखो तब आपके पास पैसे नहीं होते। अब क्या करूं, पैसे तो है नहीं ड्रेस के लिए। कौन सी ड्रेस लेके आऊं जिससे मैं फैशन शो कंपटीशन जीतूंगा? अरे रोशन सुन, खाना खा ले नीचे, मम्मी बुला रही है, सुन ना, खाना खा ले। नहीं दीदी आप जाओ, मेरे को नहीं खाना खाना, मेरे को फैशन शो खेलना है और जीतना भी है। अरे यार क्या करूं, ऐसा करता हूं दादाजी के पास चलता हूं, अब वो ही कुछ बताएंगे मेरे को। चलो दादाजी के पास तो आ गया, अब क्या मांगूं? दादाजी सुनिए ना, मेरे को भी आप ही की तरह फैशन शो इवेंट खेलना है, लेकिन मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, मैं क्या करूं? ना ही मुझे पापा नई ड्रेस दिलाने के लिए पैसे दे रहे हैं, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं दादाजी। अरे ये क्या है, लगता है इस बैग में तो ड्रेस दी है आपने दादाजी मुझे। अरे वाह, अब तो आप मेरे साथ हो, तो देखते हैं मैं जीतूंगा कि नहीं। दादाजी आपने तो मजा ही करवा दिया, आपने तो मुझे ड्रेस दे दी, अब तो मैं पक्का जीतूंगा। देखते हैं कल क्या होता है फैशन शो इवेंट में, मेरे सामने कोई टिक पाता है या नहीं। थैंक यू दादाजी मेरी मदद करने के लिए, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत रात हो रही है, ठीक है ना, बाय बाय। चलो घर तो पहुंच गया, ड्रेस को रख देता हूँ, चलो यहाँ पे रख देता हूँ, फिर कल सुबह जब इवेंट में जाऊंगा तो इसको पहन लूंगा। अभी तो मैं सो जाता हूँ आराम से, बहुत तेज नींद आ रही है। चलो चलो फटाफट से मुंह धो लेता हूँ और जल्दी से फैशन शो इवेंट के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ, अगर लेट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी से ड्रेस पहन लेता हूँ। वाओ ड्रेस तो कितनी अच्छी लग रही है, अब तो मैं देखता हूँ मेरे सामने कौन टिक पाता है फैशन शो में। चलो जल्दी चलता हूँ फैशन शो के लिए, अगर लेट हो गया तो सारों के नाम उस लिस्ट में आ जाएंगे, मेरा नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनो मम्मी कहाँ है पापा, देखो ये ड्रेस मुझे दादाजी ने दी है। क्या भाई, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन पागल मत बना, दादाजी कहाँ से तुझे ये ड्रेस दे देंगे? ठीक है मत मान मेरी बात, मुझे ये ड्रेस दादाजी ने ही दी है, अब मैं जा रहा हूँ इस ड्रेस को पहन के फैशन शो इवेंट में, वहाँ पर अगर मैं जीत गया तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, अब मैं चलता हूँ। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखना और मम्मी को भी बोल देना मैं फैशन शो फाइट इवेंट में जा रहा हूँ, आप दोनों तीनों अपना ध्यान रखना, बाय बाय। देखिए मैं पक्का जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, बाय बाय, अब मैं चलता हूँ। भाई पक्का जीत के आना।
चलो दोस्तों, इस साल का जो फैशन शो इवेंट हो रहा है, देखते हैं हम तीनों में से कौन जीतता है। चलो आ जाओ, फैशन शो के लिए लेट हो रहे हैं। चलो आ जाओ, जल्दी चलते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस, अनदर न्यू फ्रेश और इंटरेस्टिंग फैशन शो फाइट इवेंट की शुरुआत हम करते हुए हमारे जजेस बिल्कुल तैयार है फैशन शो इवेंट फाइट इवेंट के लिए। और यहां पर जो भी हमारे कंटेस्टेंट्स आए हैं वो यह रहे। अब चलिए फैशन शो फाइट इवेंट का फर्स्ट कंटेस्टेंट वो जाते हुए, अब देखते हैं इनकी ड्रेस जजेस को पसंद आती है कि नहीं। तो देखिए ये कौन सा अपना इमोट दिखा रहे हैं इन्हें। तो गाइस इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल सा इमोट दिखाया है और हमारे सेकंड कंटेस्टेंट आ चुके हैं और इन्होंने काफी अच्छा इमोट दिखाया है और ये भी चल दिए हैं। हमारे थर्ड कंटेस्टेंट आए हैं और ये कौन सा इमोट दिखाकर जजेस को इम्प्रेस करेंगे। तो इन्होंने गाइस दिखाया है अपना कार वाला इमोट, रेसिंग कार। तो हमारे फोर्थ कंटेस्टेंट आ चुके हैं, इन्होंने दिखाया अपनी बाइक, कोबरा बाइक वाला इमोट, काफी अच्छा कॉम्पिटिशन चलता हुआ। तो हमारे फोर्थ कंटेस्टेंट आए हैं और ये क्या, ओहो पैसों की गड्डी का इमोट दिखाया है, बहुत ही बढ़िया। और हमारे फाइव कंटेस्टेंट आए हैं, कोबरा इमोट दिखा रहे हैं, इनकी भी ड्रेस काफी अच्छी है, टक्कर चल रही है बहुत जोरदार। और सिक्स कंटेस्टेंट आ चुके हैं और ये दिखा रहे हैं हीरोइक वाला इमोट। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ रहे हैं हमारे और ये क्या दिखाने वाले हैं गाइस, तो ये डांसिंग इमोट दिखा रहे हैं और इनकी ड्रेस भी काफी अच्छी लग रही है मुझे, बहुत ही ओपी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारे क्या दिखाने वाले हैं ये देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, तो देखते हैं ये क्या दिखाएंगे। ओ भाई इन्होंने तो क्या ही शानदार इमोट दिखाया है, जिसको देखकर लगता है जजेस बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके हैं और शानदार शानदार इमोट लगता है इनके पास है, काफी बढ़िया लगता है, बहुत ही खतरनाक टक्कर होने वाली है आज इवेंट में। तो चलिए गाइस, जितने भी लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया है एक बार बारी बारी से फिर फटाफट आ जाइए और अपनी ड्रेस जजेस को दिखा दीजिए और फिर हम तय करेंगे कि आज का विजेता कौन है। तो गाइस सब एक बार फिर से आ चुके हैं, शो खत्म हो चुका है, अब हम चूज करेंगे आज का विजेता। तो हमारे थर्ड पोजीशन पे आते हैं मिस्टर टकला सिंह, तो ये आ चुके हैं हमारे थर्ड। और सेकंड रैंक पे आते हैं हमारे रॉक स्टार रॉकी। अरे यार लगता है मेरा नाम तो आ ही नहीं रहा, लगता है मैं हार जाऊंगा। चलो यार चलता हूँ यहाँ से। हमारे अरे अरे भाई भाई आप जा कहाँ रहे हो, अरे रुकिए कला साहब आप चले जाएंगे तो हम फर्स्ट अनाउंसमेंट कैसे करेंगे, रुकिए जरा। तो हमारे फर्स्ट जो विजेता है वो है रोशन, तो तालियों से यार स्वागत कीजिए हमारे रोशन का, जो कि आज हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट बने हैं और विजेता बने हैं इस फैशन शो फाइट इवेंट के। तो भाई आ जाइए, आप भी लाइन में लग जाइए इनके साथ, आप हैं आज के हमारे फर्स्ट विजेता। तो गाइस ये रहे हमारे तीनों कंटेस्टेंट जो कि आज के शो को जीते हैं, तो चलिए इनको इनका प्राइज हम दे देते हैं, कोहिनूर का हीरा। तो ये लीजिए रोशन जी आपका कोहिनूर का हीरा, क्योंकि आप जीते हैं ये कॉन्टेस्ट। साला कौन चूतिया था रे जो ये शो जीता आज। अरे वाह मैं जीत गया आज का फैशन शो इवेंट, वाह मजा आएगा, घर चलता हूँ फटाफट। देख भाई ये जा रहा है साले की ड्रेस और ये कोहिनूर का हीरा, हम इस कमीने से छीन लेंगे। अब देखना मेरी बहन कैसे खुश होती है, देखो दीदी मैं फैशन शो इवेंट जीत गया, फैशन शो फाइट इवेंट में मैं जीत गया मम्मी पापा। देखिए दादाजी का सपना था ना जीतने का, वो भी तो खेला करते थे लेकिन वो कभी जीते नहीं, मैं जीत गया और ये ड्रेस मुझे दादाजी ने दी थी,
देखिए मैं जीत गया कोहिनूर का हीरा। अरे वाह रोशन बेटा, तू सच में जीत गया बेटा। हाँ पापा मैं सच में जीत गया, अब मैं ड्रेस खोल देता हूँ। अरे यार यहाँ नहीं खोलूंगा, मैं पीछे वाले रूम में रख के आता हूँ गोडाउन में। आप रुकिए मम्मी पापा मैं आता हूँ। इस ड्रेस को यहीं पर रख देता हूँ इस गोडाउन के अंदर, वापिस मैं इसको दादाजी को दे के आ जाऊंगा। चलो अब चलता हूँ मेरे दोस्तों के पास चलूंगा। ऐसा करता हूँ मम्मी पापा मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, वापिस आता हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। रोशन तो निकल जाता है अपने दोस्तों के सामने अपनी जीत का शो ऑफ करने के लिए, लेकिन रोशन के जाने के जस्ट बाद ही उसके घर में वो तीनों लड़के आ जाते हैं जो कि फैशन शो इवेंट में हारे थे। अरे कौन हो तुम लोग और ये गन लेकर मेरे घर में क्यों घुसे हो? अरे बड़ा चुपचाप शांत से बैठ जा रहे, ऊपर देख के आ, चेक कर ड्रेस कहाँ पे और वो हीरा भी। अरे भाई पूरे घर में देख ले ऊपर, कहीं पे भी नहीं है। क्या रे सीधे सीधे बताओ ड्रेस कहाँ पे, वरना तीनों को उड़ा दूंगा। अरे निकल जाओ मेरे घर से वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, भागो यहाँ से। अबे साले बुड्ढे ये खागोली, कमीना बहुत फुदक फुदक कर रहा था। अरे ये क्या किया तुमने, मेरे पति को मार डाला कमीना। ले तू भी मर। सुन बे लड़की, तेरे को जिंदा रहना है तो चुपचाप यहाँ पर बैठी रहे समझी ना, वरना तेरे को भी उड़ा देंगे। चल पीछे चल साली कमीनी। ये क्या किया? चलो रे यहाँ से चलो जल्दी वरना लफड़ा हो जाएगा, आ जाओ। मम्मी पापा, मम्मी पापा। भाई तू कहाँ है भाई? मेरे दोस्तों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शो में जीता। अरे दीदी क्या हुआ? भाई मम्मी पापा को तीन लड़के आए थे और उन्होंने मार डाला। वो तेरी ड्रेस और कोहिनूर का हीरा लेने के लिए आए थे। भाई क्या मम्मी पापा को मार दिया? उस ड्रेस की वजह से मम्मी पापा नहीं रहे, मैं उसको है ना फेंक के आ जाऊंगा। हाँ मैं उसको फेंक देता हूँ वरना वो वापस आएंगे, मैं उसको फेंक देता हूँ। हाँ यहाँ पे रखी हुई है ना, मैं इसको फेंक देता हूँ जल्दी। इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, क्या पता वो वापस आकर मेरी बहन को कुछ ना कर दे। इसको मैं यहीं पे फेंक देता हूँ, वो आएंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगा यहीं पे पड़ी है। इस ड्रेस की वजह से मेरे मम्मी पापा नहीं रहे। रोशन बेटा तू रो मत, तेरे माँ बाप की मौत का बदला मैं लूंगा। अरे कौन बोल रहा है? मैं तेरा दादा बेटा। देख रोशन बेटा इस बंडल की खासियत, ये एक आम बंडल नहीं एक शक्तिशाली बंडल है, अब तू इससे अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेगा रोशन बेटा। या मैं अब उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं कमीनों तुम तीनों को। कहाँ छिप कर बैठे हैं कमीने, अब बचेंगे नहीं। कमीनों बाहर निकलो, अब तुम लोग बचोगे नहीं मेरे हाथों से। या अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे माँ बाप को मारा अब ये नहीं बचेंगे, इसी घर में है ना, अब मैं चुन चुन के सबको मारूंगा। या सालों तुम बचोगे नहीं। अबे साले हैवान मर जा, अबे मर क्यों नहीं रही है कमीना, मर जा। तेरे बस की बात नहीं है मुझे मारना, और कहा है बाकी, उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ बैठा है साले कमीने, तू भी नहीं बचेगा, साले हमें कुर्गा और जो भी बचा है सबको मार दूंगा। अच्छा तो यहाँ पर बैठा है साले, कहाँ पर भागेगा कभी नहीं, बचकर नहीं जा पाएगा। मेरे माँ बाप को मारा ना कभी नहीं, रुक जा, अब तू नहीं बचेगा कभी नहीं, अब तू जाएगा मरेगा मेरे हाथों से। या
कमीने, नहीं बचेगा साले, मेरे माँ बाप को मारना, बाप मैं सबको मार दूंगा जिसने भी मेरे माँ बाप को मारा, साले अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। कमीने अब एक और बचा है, कहाँ है वो? वो भी नहीं बचेगा, अब मैं उसको भी मारूंगा। कभी ने कही के अब नहीं बचेगा कोई भी। फिर क्या था, रोशन निकल जाता है अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए, जो आखिरी लड़का बच रहा था उसको मारने के लिए। साले कमीने, तू मेरे से बचकर कितना भागेगा, अब तू भी नहीं बचेगा। साले तूने मेरे माँ बाप को मारा, अब तू भी नहीं बचेगा कमीने। अब तू भी बचेगा नहीं, तू भी मरेगा कमीने। तूने मेरे माँ बाप को मारा, तेरी भी मौत आ चुकी है कमीने, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा कमीने, तू भी मरेगा, नहीं बचेगा कमीने, मरेगा अब तू भी मरेगा। अरे कौन है, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। तूने मेरे माँ बाप को मारा और मैं तुझे माफ कर दूँ? कभी नहीं कमीने, कभी नहीं।